नमस्कार दोस्तों, टारगेट है में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, साथ में मेडिकल फील्ड के अदर कई पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन आ चुका। इस वीडियो में दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, साथ में नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा और आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना, एज लिमिट दोस्तों आपको इसमें क्या मिलने वाला, सारी जानकारी दोस्तों इसमें हम कवर करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में दोस्तों, ये नोटिफिकेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा जितने भी वैकेंसी की जानकारी दी जाती है सारे नोटिफिकेशन के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर कर लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की और भर्ती विज्ञापन दोस्तों होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ से पब्लिश किया गया है। 21/6/2024 को दोस्तों टाटा मेमोरियल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और दोस्तों ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और भर्ती विज्ञापन जो आपका पोस्टिंग होगा वो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ में आपको पोस्टिंग मिलने वाला है। दोस्तों, ये भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे है, आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग मिलने वाला है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों इसमें स्टाफ नर्स के लिए है और इसमें जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जिनका दोस्तों जेएनएम कोर्स कंप्लीट होगा वो इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में दोस्तों आपके पास 3 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेड के हॉस्पिटल में आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों जो कैंडिडेट बेसिक या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए हैं 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ वो भी इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है तभी आप दोस्तों इसमें आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें हेपेटाइटिस का आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है तो ही आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपका सिलेक्शन दोस्तों इसमें इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और इंटरव्यू का डेट आपको इसमें बताया गया है 4/7/2024 4 जुलाई को दोस्तों आपका ये इंटरव्यू होगा। कहाँ पे होगा ये आगे आपको पता चलेगा तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और टोटल दोस्तों पोस्ट की बात करें तो टोटल इसमें स्टाफ नर्स के लिए 26 पोस्ट शामिल किया गया है और 29,000 आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। एज लिमिट देख सकते हैं 35 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें फार्मेसी वाले कैंडिडेट के लिए, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर के लिए पोस्ट रहेगा जो कैंडिडेट फार्मेसी से डिग्री कंप्लीट किए होंगे। इसमें आपको बताया गया है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन फार्मेसी विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी का, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए तभी दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। या फिर आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में कंप्लीट है तो भी दोस्तों आप एलिजिबल रहेंगे। और 2 ईयर्स का दोस्तों आपके पास रिक्वायर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, 100 बेड के हॉस्पिटल में आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल एक ही पोस्ट है इसमें 30,000 से 35,000 आपको सैलरी मिलेगा और 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट दिया जा रहा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं डेंटल हाइजीन के लिए, और दोस्तों जो पोस्ट असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर का है उसका इंटरव्यू 5 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। और डेंटल हाइजीन के लिए बात करें तो इसका इंटरव्यू भी 5 जुलाई को ही होगा और इसमें क्वालिफिकेशन में फुल टाइम आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए डेंटल हेल्थ या डेंटल हाइजीन में, आपका ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपके पास 1 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। टोटल एक ही पोस्ट है, 24,700 आपको इसमें सैलरी मिलेगा और 30 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया जा रहा है डेंटल हाइजीन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ नंबर का जो पोस्ट है वो फ्लेबेटोमिस्ट के लिए रहेगा, लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे और जिनके पास दोस्तों बीएससी एमएलटी विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि आपके पास बीएमएलटी कंप्लीट है प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। साथ में दोस्तों इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका दोस्तों ये जो डिप्लोमा है ये भी 2 ईयर्स का होना ज़रूरी है। साथ में दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स वाले कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ कोर्स ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो
एटलीस्ट 1 ईयर का होना ज़रूरी है और 2 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट से। साथ में एज लिमिट आपको 30 ईयर्स दिया जा रहा है। और टोटल दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट है इसमें 3 पोस्ट शामिल किया गया है। 22,500 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें हम 5 नंबर का जो पोस्ट है तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए रहेगा। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 3 ईयर का आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। 30,000 से 35,000 रुपये सैलरी रहेगा। टोटल एक ही पोस्ट है दोस्तों। जो पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए है उसका इंटरव्यू 8 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा और जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए 9 जुलाई को आपका ये इंटरव्यू होगा। और 6 नंबर का जो पोस्ट है दोस्तों वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है और इसमें जो कैंडिडेट बीई कोर्स कंप्लीट किए हैं बायोमेडिकल या बायोटेक से कंप्लीट किए हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ में 2 ईयर्स का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है और जिनके पास एमटेक कंप्लीट है बायोमेडिकल से उनसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 40,000 से दोस्तों आपको 45,000 सैलरी मिलेगा और टोटल 3 ही पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। इंटरव्यू आपका 12 जुलाई को होगा बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए और बायोमेडिकल टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक में जिनका कोर्स कंप्लीट होगा वो इसमें आवेदन करेंगे या फिर आपके पास बायोमेडिकल फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्निकल कोर्स कंप्लीट होगा तो भी दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 24,000 से 27,000 आपको सैलरी मिलेगा। टोटल 3 पोस्ट इसमें शामिल किया गया है और इस पोस्ट का भी दोस्तों इंटरव्यू 12 जुलाई को ही होगा और 30 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा तो इसमें आपको बताया जा रहा है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ मेडिसिटी SAS नगर पंजाब। तो दोस्तों आपका ये इंटरव्यू का एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको रिपोर्टिंग करना होगा। आपको इसमें इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाना है वो देख लेते हैं। दी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एलॉन्ग विथ देम अपडेट रिज्यूम। तो दोस्तों आपको अपने रिज्यूम के साथ वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा अपने बायोडाटा के साथ। इसमें दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा, आप अपने रिज्यूम के साथ वहाँ पे इंटरव्यू में आपको शामिल होना है। और इंटरव्यू में दोस्तों रिज्यूम के साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना ये भी इसमें आपको बताया गया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ओरिजिनल एंड पासपोर्ट सॉरी फोटो कापी आप पैन कार्ड आधार कार्ड ऑल एजुकेशनल एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में 1 सेट फोटोकॉपी लेके जाना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट का और आपको दोस्तों अपने रिज्यूम के साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे इंटरव्यू में शामिल होना है। और इसमें आपको बता दिया गया है कब आपका इंटरव्यू होगा। और टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है, जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा इसका टाइम आपको बताया जा रहा है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM टू 11 AM। तो दोस्तों 9:30 से 11:30 बजे आपका ये रिपोर्टिंग टाइम है, आपको अपने निर्धारित समय पे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए शामिल होना है। ये आपको एड्रेस बता दिया गया है, इस एड्रेस पे दोस्तों आपका ये इंटरव्यू होगा। और मैं सभी पोस्ट का आपको डेट बता दिया हूँ कब आपका ये इंटरव्यू होगा। ये नोटिफिकेशन के PDF के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। साथ में दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम हर दिन ऐसी जानकारी शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।